कुछ महीनों से एसटी कर्मचारियों द्वारा एसटी की हड़ताल चल रही है। इस हड़ताल के कारण अब बोदवड़ से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक घटना सामने आई है। कॉलेज से निकलने के बाद 11वीं कक्षा की छात्रा तृप्ति चौधरी ऑटो से घर जाते समय गिर पड़ी। मस्तिष्क में गंभीर चोट लगने के कारण उस छात्र की मौत हो चुकी है। इसके बाद जलगांव अस्पताल जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। पर अगर बसें चलती तो उसे ऑटो का सहारा नहीं लेना पड़ता और तृप्ति चौधरी बच जाती, ऐसी बात लड़की के पिता ने कही। इस घटना से हड़कंप मच गया है। एसटी निगम की बसों में बोदवड़ तालुका के विभिन्न गांवों के 4215 छात्र पास लेते थे और शिक्षा के लिए अप डाउन करते थे। एसटी हड़ताल शुरू नहीं होती तो शायद यह हादसा नहीं होता। यह घटना आज विधान भवन परिसर में भी गूंज रही है। शाळेचा संप एसटीचा संप असल्यामुळे खाजगी बस खाजगी वाहनाने प्रवास करावा लागत होता। खाजगी वाहनं ही लवकर भरायची नाही, एका गाडीत जास्त मुलांना बसवण्यात आल्यामुळे तिचा हात टाकला आणि ती डोक्यावर पडून सण मुलाला मार लागल्यामुळे तिचा काल अपघात झाल्यामुळे माझा मित्र भगवान चौधरी याची मुलगी पाण्याला जात होती, तिचा हात झटकल्यामुळे तिचा मृत्यू झाला। हात जर एसटी संपन्न असता तर कदाचित तिचा जीव वाचला असता। ही घटना घडली नसती तरी एसटीचा संप मागे करून लवकरात लवकर रिक्षा चालू कराव्या, की त्यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार नाही, अशी जीवितहानी होणार नाही, असा प्रसंग कोणावर सुद्धा येऊ नये। ही त्याची एकुलती एक मुलगी होती, हुशार होती, जास्त काही बोलायची इच्छा नाही, पण हा संप शासनानं मागे घ्यावा आणि एसटी प्रवास सुखरूप चालू करावा। शाळेत जाण्यासाठी मुलांना लय अडचणी येतात, तरी याच्यावर सरकारने विचार करावा। बॉसने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बाहर बाहर उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।